हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता आज बना रही हूँ काजरी की चटनी। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काजरी ली है और 1/3 कप लहसुन लिया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके छिलके निकाल लेंगे काजरी के और इसको टेस्ट कर लेंगे। इस स्वाद में बहुत खट्टी होती है और कड़वी भी होती है। अगर इसका टेस्ट कड़वा है तो इसमें नहीं डालेंगे अपन। ये काजरी की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये एक मारवाड़ी रेसिपी है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। इसको सुखा कर गरम मसाले में भी खटाई के रूप में काम में ली जाती है अमचूर की जगह, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसकी चटनी। इसको हल्के हाथों से इसको छिलके सारे निकाल देंगे। इसके छिलके थोड़े हार्ड होते हैं, इस तरह से छिल लेंगे सारी को। थोड़े इसमें मेहनत लगती है छिलने में, थोड़ी हार्ड होती है इसलिए। अभी ये सीजनेबल रेसिपी है, अभी ये बहुत ज़्यादा ही आ रही है काजरी मार्केट में। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब इसको निकाल के एक बार टेस्ट कर लेंगे। इतना सा सही है, खट्टी है बहुत, वो सही है। इसको छिलके कटिंग कर लेंगे सब और टेस्ट कर लेंगे। काजरी को बड़े बड़े पीस में कटिंग कर देंगे और इसको मिक्सर में पीस लेंगे बारीक। इसको काजरी को डाल देंगे, लहसुन को भी साथ ही डाल देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे दोनों का। ये पेस्ट बन गया है काजरी का और लहसुन का। अब गैस ऑन करेंगे और एक फ्लेम चढ़ाएंगे। इसके अंदर एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तेल गरम हो चुका है, राई का तड़का लगा देंगे, गैस स्लो कर देंगे, टेस्ट भी डालेंगे धीरे से। चलाएंगे से मिला लेंगे। गैस लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से, जब तक ये तेल अलग छोड़ दे, तेल से अलग हो जाए तब तक पकाएंगे इसको। इसके अंदर सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, चलाते रहेंगे ताकि तलवे में लगे नहीं। सबसे पहले हल्दी डालना है, इसको थोड़ी देर पकाएंगे। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, दो चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार,
को मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको पका लेंगे। थोड़ी देर पकने देंगे धीमी आंच पे। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो एक चम्मच अमचूर पाउडर मिला देना है। आप ये बिना लहसुन के भी ये चटनी बना सकते हैं। ये काचरी खट्टी होती है। शुरू हो गई है तेल छोड़ना, थोड़ी देर वो पकाएंगे, वो बन चुकी है। चटनी बन के तैयार हो चुकी है, तेल अलग हो गया है इससे। आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है चटनी पराठे के साथ। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।